So, hello student, welcome again. Now we have discussed about root in this chapter, right? In this chapter we have earlier discussed about types of plants और उसके बाद उसके leaves के बारे में और stems के बारे में हमने पढ़ लिया है. Now we have to discuss about root and flowers. In this video we have discussed first of all root. The root is a very important component of the plant system, as without the presence of root the plant ceases to exist. मतलब plant exist ही नहीं कर सकता बिना root के, क्योंकि root का ही काम है water और minerals को absorb करना soil में से, right? उसके बाद फिर stem का काम होता है उससे सभी पार्टों में shift करना. This is because the root perform three major functions essential to the growth and survival of the plant, which are, मतलब उसकी growth और survival के लिए तीन function जो है वो root करता है. क्या करता है? Root are responsible for absorbing minerals and water from the soil and transferring them to the stem. मतलब क्या करता है? Root water और minerals को absorb करता है और वो उसे स्टेम तक पहुंचाता है. इट्स ओनली आफ्टर रूट हैज ट्रांसपोर्टेड वाटर एंड मिनरल्स टू स्टेम दैट द स्टेम बिकम कैपेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग दिस टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट. और जब रूट जो है वो उसको पहुंचा देता है स्टेम तक वाटर और मिनरल्स को, तब फिर वो कैपेबल होता है स्टेम कि वो हर पार्ट में उसे पहुंचा सके, ट्रांसपोर्ट कर सके. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रूट इज टू फर्मली एंकर द प्लांट इन द गार्ड. दिस इज एसेंशियल टू सपोर्ट द अपराइट पोजिशन ऑफ द प्लांट. मतलब उसकी पोजिशन कैसी होनी चाहिए प्लांट की, वो भी रूट पर डिपेंड करता है. रूट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एंड फूड फॉर ग्रोथ. और रूट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसकी ग्रोथ के लिए उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो कहाँ स्टोर करके रखना है, वो रूट परफॉर्म करता है. Right. There are two major type of roots that exist in plant, and these are, मतलब दो major type के roots होते हैं. First is tap root and second is fibrous root. So first of all see tap root. In this type of root system there is one prominent and long root and a bunch of smaller root that grow from this main root called lateral root. एक मेन रूट में से अलग अलग बंच की स्मॉलर रूट निकलती है, उसे हम कहते हैं टैप रूट. ठीक है, फिर फाइब्रस रूट्स. इन दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम अ ग्रुप ऑफ सिमिलर साइज रूट्स इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट. दे डू नॉट हैव अ मेन रूट. उसके मेन रूट नहीं होते, वो अलग अलग रूट्स खुद ही होते हैं. सेकेंड वन इज टैप रूट इज हार्ड टू पुल आउट प्लांट्स विथ टैप रूट एज दिस गो डीप विथिन द सॉइल. मतलब टैप रूट जो होता है वो बहुत ही अंदर सॉइल में होता है. और फिब्रस रूट में क्या है, दिस प्लांट्स आर रिलेटिवली इजियर टू पुल आउट एज द रूट डू नॉट गो वेरी डीप इन द सॉइल. और इस प्लांट को जिसमें फिब्रस रूट होती है उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप अंदर सॉइल में नहीं गई होती है. दिस रूट सिस्टम इज सीन टू एग्जिस्ट इन प्लांट्स विथ लियो डिस्प्लेइंग रेक्टिकुलर वेंजन. मतलब क्या होता है कि जो टैप रूट वाला सिस्टम है वो किसमें देखने को मिलता है, जिसकी रेक्टिक्यूलेट वेंशन होती है, मतलब जैसे कि गुआवा वगैरह हैं उन सब में टैप रूट होती है. दिस रूट सिस्टम इज सीन टू एग्जिस्ट इन प्लांट विथ लीव डिस्प्लेइंग पैरेलल वेंशन. मतलब जिसमें पैरेलल होती हैं, वीट वगैरह जो अनाज होते हैं वो इजीली हम निकाल सकते हैं, उसमें फेब्रस रूट होती है. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ टैप रूट कैरट, टर्निप, ग्राम, चीना रोज, ईटीसी. एंड एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ फिब्रस रूट्स बनाना, वीट, मेज, ऑनियन, बम्बू, ईटीसी. ये सब की कैसी होती है, फाइब्रस रूट होती है, जिसे हम इजीली पुल आउट कर सकते हैं सॉइल में से. टैप रूट वर्सेस फाइब्रस रूट आपको दी हुई. टैप रूट देखो एक मेन रूट है, ठीक है, टैप रूट सिस्टम एक मेन है, उसमें से अलग अलग बंचेस निकल रहे हैं. और जो फाइब्रस रूट है उसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं है, वो अलग अलग अपने अकॉर्डिंगली हैं. नेक्स्ट इज अवर फ्लावर. सो फ्लावर के बारे में हम देखें तो द फ्लावर आर द कलरफुल सीड बियरिंग पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोस एट द एंड ऑफ द स्टेम. स्टेम के एंड में वो उगते हैं. अ टिपिकल फ्लावर
exhibits the flower following structure. Petals. Petals क्या है? These are bright, colorful and broad part of the flower. Petals. These are bright, colorful and broad parts of the flower. फ्लावर जो होते हैं इसमें अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं जिसे हम पेटल कहते हैं, ठीक है, वो कलरफुल होती हैं, ब्राइट होती हैं. टेकन टुगेदर द पेटल टू द फ्लावर फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड अ कोरोला. जो साथ में होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोरोला. फिर शेपल. दिस इज द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर दैट एनक्लोज द पेटल एंड इज responsible for protecting the flower when it is in its bud from and supporting it when it is in the bloom stage. मतलब जो green color का होता है rose flower, आपने देखा है rose का, ठीक है, उसमें flower bud जब होता है rose का तो उसके ऊपर green color का होता है, अंदर flower pink color का, तो उसके ऊपर green color की leaves दिखती हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं sepal. और उसके बाद जब वो flower हमारा grow कर लेता है तब भी वो हमारे पास उसके पास ही रहती हैं, ठीक है, उसे सपोर्ट करने के लिए कि वो टूटे ना. स्टेमिना. दिस आर द लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट बिकम विजिबल अपॉन रिमूविंग द पेटल्स एंड सेपल ऑफ अ फ्लावर. टिपिकली अ स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ एंड अनदर द हेड ऑफ द स्टेमन एंड अ filament, the long cream colored stick, the stamen is also known as the male reproductive part of the plant. उसमें जो होता है वाइट कलर में क्रीम कलर में उसे कहते हैं. फिर क्या है? पिस्टिल. पिस्टिल किसे कहते हैं हम? This is the innermost part of the flower, typically consisting of a stigma. फ्लावर के अंदर होता है ये, ठीक है. द हेड ऑफ द पिस्टिल स्टाइल विच इज द लॉन्ग स्टिकी पार्ट दैट अटैच द स्टिग्मा टू द ओवरी. द स्मॉल एंड स्वॉलन स्फेयर एट द बेस ऑफ द पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी फ्लावर. वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. द ओवरी contains small bud-like structure which are called ovules. Bud के जैसे structure होता है इसका, ठीक है. Look at this flower structure. इसमें हम आपको easily समझा सकते हैं. First of all, look at the petals. Petals तो हमें पता है उसकी पंखुड़ी है. फिर stigma क्या है? जो उसमें बीच में होता है वो. फिर anther filament दिया हुआ है, ovary दी हुई है और ovule दिया हुआ है अंदर की तरफ red part जो है वो. स्टेल दिया है और सेपल जो ग्रीन कलर का सपोर्टिव पार्ट होता है वो. नाउ लुक दिस. स्टेमन क्या है? स्टेमन है जो ये बर्ड के जैसे दिया होता है बीच में फ्लावर के वो, ठीक है. उसमें क्या आता है? एंथर और फिलामेंट. एंथर जो होता है ऊपर का बर्ड जैसा है और नीचे फिलामेंट है. फिर उसके बाद है पिस्टिल दी हुई है. पिस्टिल में क्या है? स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टाइल दी हुई है और ओवरी दी हुई है जो कि उसके बीच में निकलती है. फिर ओवरी क्या है? ओवरी के अंदर है ओवल्स, ठीक है, ओवरी के अंदर. तो ये सारी चीज़ें आपको पार्ट्स दिए हुए हैं फ्लावर के. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अब क्या दी हुई हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में. स्टोमाटा. स्टोमाटा किसे कहते हैं? दिस आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस. इसमें क्या होता है? ट्रांसपीरेशन होता है लीव्स में. फिर एनुअल्स. एनुअल्स क्या है? दिस आर प्लांट्स लाइक वीट एंड मेज दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन वन सीजन एंड देन एंड डाई. एनुअल मतलब एक सीजन में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करके और ख़त्म हो जाते हैं. दे आर यूजली हर्ब्स. वो कैसे होते हैं? हर्ब्स होते हैं, वो एनुअल होते हैं. फिर बीनल्स. दिस आर प्लांट्स लाइक कैरट्स एंड रेडिश दैट कम्प्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू सीजन. इनके किस में होते हैं? पहले एनुअल फिर बाइनुअल्स. उसमें टू सीजन होते हैं, एनुअल में एक सीजन और बाइनुअल्स में टू सीजन. फिर क्या है? पेरेनियल्स. दिस आर प्लांट्स गुआवा एंड पाल्म दैट कंटिन्यू देयर लाइफ साइकिल फॉर मोर देन टू सीजन. दे मैंगो टू रीग्रो एवरी स्प्रिंग.
जैसे कि ये ना साइकिल मतलब दो सीजन से ज़्यादा होते हैं, और मैंगो वगैरह जैसे हैं वो हर सीज़न में आते हैं और उनके प्लांट चलते ही रहते हैं, मतलब आके वो ख़त्म हो जाते हैं पर प्लांट तो रहते हैं। फिर एरियल रूट्स क्या है, एरियल रूट्स क्या है, दिस आर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ अंडर द ग्राउंड एज शोन इन द इमेज बिलो। एरियल रूट्स है, ये है एरियल रूट्स इसमें दी हुई। एरियल रूट्स क्या है, दिस आर रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज दैट ग्रो अबोव द ग्राउंड, ग्राउंड पे होती है, इंस्टेड ऑफ अंडरग्राउंड एज शोन इन द इमेज, इस तरीके से वो उस पर होती है। सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप्स देख लिए, फिर स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, सबके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया। थैंक यू।